हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ख्याल आया जिसको बचाने की गैब से आवाजें आ रही हैं, ये कोई बरकत वाली बच्ची होगी, कोई बरकत वाली होगी। बच्ची को लेके घर चला गया, पाला, संभाला, पढ़ाया। जब बच्ची समझदार हुई, इतना इल्म इसने हासिल कर लिया कि ये अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बनी। काहिना का मतलब ये हाथ की लकीरें देख के बता देती थी कि तेरे नसीब में क्या लिखा है। बड़ी मशहूर, जिस शहर से गुजरती थी आवाज आती थी, लोगों सौदा आ रही है। जिसे तकदीर के बारे में पता करना है, सौदा को हाथ दिखाओ, अपने कल के बारे में पता कर लो। ये जिधर से निकलती भीड़ लग जाया करती थी, जिस राह से गुजरती भीड़ लग जाया करती थी। इत्तेफाक देखो, एक दिन इसका गुजर मुस्तफा के ननियाल मदीना शरीफ से हो रहा है। जब मदीने शरीफ से यह जवानी के आलम में गुजर रही है, उसी वक्त मदीने की गलियों में बच्चियां खेल रही है, बड़े बूढ़े भी जवान भी बैठे हुए हैं। उन्हीं छोटी बच्चियों में मेरे नबी की प्यारी अम्मी सैयदा आमीना भी मशगूल है। किसी ने आवाज दी और लोगों लाइन लगा लो, सौदा आ रही है। आज अपनी तकदीर के बारे में पूछो, हाथ दिखाओ, पूछो कल क्या होने वाला है। लाइन लग जाती है, सब अपना हाथ दिखा रहे हैं। इसको अल्लाह ने इतना इल्म दिया था, यह हथेली देखती और कल बता देती, हथेली देखती और कल बता देती, हथेली देखती और कल बता देती। भीड़ आती रही जाती रही, हजरत हराम आमीना दूर खड़े होकर के मामला देख रही थी। किसी ने कहा, आमीना तेरे अंदर भी अजीब चीजें नजर आती है, तेरी फितरत जमाने से जुदा है, तेरी आदत बच्चियों से जुदा है, तेरा अखलाक जमाने से जुदा है। चल तू भी तो हाथ दिखा, देखे तुझ में कौन सा कमाल है, तेरा आने वाला कल कैसा होगा। सैयदा आमीना झिझकते तबकते आगे घबराते आगे बढ़ी, शर्म से हया से झुक के आगे बढ़ी, जाकर के अपनी हथेली आगे कर दी। जब से की काहिना ने हथेली देखी है, कभी आमीना का चेहरा देख रही है, कभी हथेली की लकीरें देख रही है, माथे पे पसीना आ जा रहा है, बार बार देख रही है। किसी ने कहा, सौदा बता तो सही, बड़े बड़ों की पुरानी लकीरें देखी, बताने में देर नहीं लगी है, बच्चों की लकीरें देखी, बताने में देर नहीं हुई। आखिर इस बच्ची के हाथ में ऐसा क्या है जो तू बोल नहीं पा रही है, तेरे माथे पे पसीना क्यों है। उसने कहा था, हैरत हो रही है, इस बच्चे की लकीरें बता रही है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। हम समझ गए, इसे बचाया इसलिए गया था क्योंकि इसकी जबान से नबी के आने से पहले मिलाद का ऐलान कराना था। इसलिए बचाया गया क्योंकि इसकी जबान के जरिए जमाने में महबूब की आमद का ऐलान कराना है। अब मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया एक कुफर की ताहूती ताकतों को जो ये कहते थे नबी पैदा हुए तो अब्दुल मुत्तलिब ने गलियों में ऐलान का इरादा किया, अल्लाह ने जबान पर ताला लगा दिया था, वो ये कहते हैं कि ताला इसलिए लगाया कि मिलाद का तज़किरा शिर्क है। मैं कहता हूँ तू नहीं जानता कि नादान, जरा सोच तो सही। जब अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले गए तो दरवाजा किसका था, आगे अबू जहल का दरवाजा, अबू लहब का दरवाजा, उतबा शहबा का दरवाजा, ताला इसलिए लगाया अब्दुल मुत्तलिब महबूब का तज़किरा कुफर वालों में नहीं जब भी किया जाएगा ईमान वालों में किया जाए, ईमान वालों में किया जाए। अब जब भी हुजूर की बातें होंगी ईमान वालों में होंगी, ईमान वालों में होंगी। नाथ खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएं। नाथ खानी कितना बड़ा अमल है, मेरा इमाम, मेरा इमाम। कई सारी ऑलरेडी फरमाइशें मेरे पास मौजूद है, है बैठे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी किसी की तो फरमाइश पूरी कर ही जाऊं। वहां बयान नहीं हुई थी, इससे पहले भी फरमाइश दो बार हो चुकी थी, बताइए। अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा बैठे थोड़ी देर। कितना अच्छा शुभ अच्छा समझमा है।
अल्ताफ भाई लग रहा है जैसे महफिल हुजूर के मदीने जा रही है, महफिल हुजूर के मदीने जाने लग गई है। नूर भाई, क्या अल्लाह ने मकनातीस में, इसलिए कारी हमी सब कहता हूं इनको, जिक्र जब से हो वैसे मिल्लत का वजीफा हो गया, देखते ही देखते खादिम खलीफा हो गया। किसी को नात नात का शेर याद नहीं होता, आपकी तकरीर याद है लोगों को, अल्लाह सलाम। वाह वाह वाह, तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है, चले आगे, थके तो नहीं है अभी, अभी नहीं थके ना, अल्लाह सलामत रखे। कहां खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहां तक है, कहां खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहां तक है। सुने जी, बहुत गौर से मेरी बात सुने, ये महफिल सजिए, कोई नहीं जानता है ये किसकी आखिरी शब है और किसकी पहली शब है। अल्लाह ना करे और यह किस्मत से अगर हो जाए, यानी कि रात खत्म होने से पहले हम में से किसी का इंतकाल हो जाए और अमलनामा जब हाथ में आएगा, पहला अमल क्या होगा, आखिरी अमल क्या होगा। उम्मीद है अगर सुननी है ना तो पहला अमल भी सल्ले अला होगा और आखिरी अमल भी सल्ले अला होगा। क्या करके आया, आखिरी रात किधर गुजारी, मालिक तेरे महबूब की महफिल सजी थी, वहां बैठे बैठे मदीने वाले की बातें हो रही थी, बातें हो रही थी। अल्लाह भला करे सारे नौजवानों का, मैं अक्सर देख रहा हूं मेरे सामने 90% काले बाल वाले लोग बैठे, जिनके बाल काले। नूर भाई कुछ गैर मोहतात लोग चीख रहे, नौजवान दीन से दूर हो रहा है, दीन से दूर हो रहा है। मैंने कहा कि देख हुजूर की महफिल में ये काले बालों की कसरत बता रही है, जवान हुजूर से दूर नहीं हो रहा है, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, इश्क करें हुजूर से, प्यार करें हुजूर से, वफा करें। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। अब तो कोई पैसे भी देता डर लगता, फरमाइश ना हो, हाथ में तो उधर रख दिया करे थोड़ा सा, है ना। ये बुरा ना मानना, आपसे इतनी सी गुजारिश करूंगा मैं, इतनी बड़ी भीड़ में हम इकट्ठा होके बैठे, पूरा पिंडाल भरा है, क्या कोई गारंटी ले रहा है कि इनमें से किसी को भी अपने मुसलमान भाई से कोई बैर नहीं है, कोई बुग्ज नहीं है, कोई हसद नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है? क्या हमारी इतनी महफिल ये इस चीज से साफ होगी? नहीं ना। याद रखो ये तो महफिल है, अगर मस्जिद में भी बुग्ज लेके जाओ अल्लाह सजदे मुंह पे मार देता है। दिल साफ करो दिल, ये एक भूख है ना जो पैसे की भूख है, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं, इसने अंधा कर रखा है, अंधा कर रखा है। हमने दौलत को सब कुछ समझ रखा है, पैसा ही सब कुछ है, हमने ये समझ रखा है। याद रखिएगा, दौलत हाथ का महल होती है, दौलत हाथ का, जोर से हाथ का, और जोर से हाथ का महल होती है। लेकिन रिश्ते जानते हैं आप, दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते नसीबों से मिला करते हैं। किसी की बिल्डिंग देखी, अच्छा बहुत ऊंचा जा रहा, एक मुकदमा ठोक दिया उसको, और हमारी कौम ने इतनी धांधली की है, जिसे दबाना चाहा उसी पे गाय का मुकदमा, किसने लगाया? हम ही ने लगाया। सही है, सही है। को जेल में किसने फंसाया? हमने। हमें किसने फंसाया? कफील अंबर ने। कफील अंबर को किसने फंसाया? मौलाना अब्दुल हमीद ने। ओ भाई, एक दूसरे को फंसाने पे लगे हुए हो, तुम जानते हो अल्लाह को कौन सा चेहरा दिखाओगे? इस उम्मत को बड़ी मेहनत से मेरे नबी ने बनाया है, सोच भी नहीं सकते हो जब मेरे नबी कयाम करते। सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर के कदमों पे वरम आ जाता था, मैं रोने लगती थी, या रसूल अल्लाह इतना लंबा लंबा कयाम किसके लिए? आपका तो अबू बकर भी बख्शा हुआ है, आपका उमर भी बख्शा हुआ है, आपका उस्मान भी जन्नती है, आपका अली भी जन्नती है, आपका अबू हुरैरा भी जन्नती है, आपके सारे सहाबा
आशा जन्नती है। आका कयाम किसके लिए? कहते आयशा जब बिस्तर पर लेटता हूँ तो उम्मत का पुलसरात से गुजरना याद आता है। जब इंसाफ के तराजू पर नजर जाती है उम्मत के गुनाह याद आ जाते हैं तब मुझे नींद नहीं आती है, मुझे करार नहीं आता है। ए आयशा ये जो कयाम किए है ये अबू बकर के लिए नहीं है, ये उमर के लिए नहीं है, ये उस्मान के लिए नहीं है, ये हैदर के लिए नहीं है, ये शहजादों के लिए नहीं है, बल्कि ये उम्मत के गुनाहगारों के लिए है। ताकि जब उनका जलाल शबाब पे होगा मैं सजदे दे के कहूंगा अल्लाह ये इबादत ले ले मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत अता फरमा। इतनी मेहनत से उम्मत बनी है और हम एक दूसरे को फंसाने पे लगे। ताजु शरीयत बुरा तो नहीं लग रहा आपको? बुरा तो नहीं लग रहा आपको? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हुजूर का रिश्ता जानते हो आप? क्या जानते हो हुजूर के रिश्ते के बारे में? खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया होगा जितना मेरा नबी हम गुनाहगारों के लिए रोया है। नहीं रोया होगा कोई भी जितना मेरा नबी रोया है। और रिश्ते खुदा करे तो हुजूर का मदीना देख के आना, किस्मत ले जाए तो मर जाना वहां जाके। मेरे नबी ने कहा था मुमकिन हो सके मेरे मदीने में आके मर जाना, मेरे मदीने में आके मर जाना। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया अगर यहां मर भी ना सको तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया अगर तुम मदीने में दफन होने की तमन्ना लेके मर गए, दफन हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में होगे, कयामत में उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओगे। वो कहा था किसी ने आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हाँ इतना काफी है नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। खुदा तौफीक देना नौजवानों। मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो गर्मी काटने के लिए ठंडी जमीनों के चक्कर लगाते, स्कूल कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टी मिलती है ना तो कहते हैं अब के कुल्लू मनाली जाना है, फला जगह जाना, हमें तो नाम भी नहीं आते, ठंडी जगहों के नाम, कश्मीर जाना है। वो यार अगर छुट्टी मिल जाए तो हुजूर का मदीना देख के आना, हुजूर का मदीना देख के आना। खुदा की कसम उसी दिन से जिंदगी बदल जाएगी, उसी दिन से जिंदगी बदल जाएगी। वो कहा था किसी ने लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। ये वो है जो मकरूह जाते हैं और जो आशिक जाते हैं उनकी कहानी। वो कहा था लौटा गए मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। हम लौट आए थे मदीने से लेकिन रूह अपनी मुस्तफा के मजार का तवाफ कर रही है। हुजूर का जानते हो चाहने वालों से रिश्ता कैसा होता है? आज भी मदीने से आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा कि नहीं चाहने वालों की तरह, उनसे रिश्ते तो कायम करो। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पे लगने वाला एक जाहिर रसूल तरे रसूलुल्लाह हुजूर के शहर जाता है। खुदा की कसम जब आशिक जाते हैं, जानते हो जब पैसे वाले जाते हैं तो मोबाइल में वीडियो बनाते हैं, जब आशिक जाते हैं कभी इस कोने से लग के रोता है, कभी उस कोने से लग के रोता है। अमीर को इसलिए परवाह नहीं होती है कि वो फिर आ सकता है, गरीब इसलिए रोया करता है इस बार तो नसीब ले आया है, खुदा जाने दोबारा हाजिरी हो के कि नहीं। कभी दूर बैठ के गुंबदे कजरा को देख रहा है, कभी हुजूर की चालियों को तक रहा है, ऐसे दीवाने बन के रहा करते हैं। खुदा की कसम उनकी दीवानगी को सलाम, उनके मुकद्दर को सलाम जो हुजूर के शहर चले जाते हैं। गया एक शख्स हुजूर के शहर में, आप भी तो गए होंगे, तुमने भी हुजूर के शहर की बिल्लियां देखी होंगी, वहां के कबूतर देखे होंगे, वहां के परिंदों को सीने से लगाने को जी चाहता है, वहां की बिल्लियों को सर पे उठाने को जी चाहता है। इसलिए नहीं कि वो मुझके अंबर से बनी है, इसलिए कि महबूब की गलियों में रहती है, हुजूर के शहर में रहती है। ये हुजूर के शहर की निस्बत है। जब वो गए ना हाजी साहब और पहुंचे हुजूर के दरबार में,
खाना खाने के लिए बैठे, एक बिल्ली आ जाती है। जब बिल्ली को देखा, ख्याल आया हुजूर के शहर की बिल्ली है, क्यों ना इसे खाना खिला दूं। आपने थोड़े से टुकड़े दिए, बिल्ली को खिलाए, अगले वक्त बैठे, फिर वो बिल्ली आ गई। आप दो चार दिन खिलाते रहे, फिर उनको बिल्ली से मोहब्बत हो गई, उनको ये लगा कि ये बिल्ली अब सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। फिर फैसला किया, वहां की सल्तनत से इजाजत ली, हुकूमत से इजाजत ली कि हम इस बिल्ली को अपने शहर ले जाना चाहते हैं। पैसे वाला था, अहले सरबत था, रसाई थी उसकी, हुकूमत से तो इजाजत मिल जाती है। जिस दिन से इजाजत मिली, वो कहता बिल्ली ने मेरे पास आना छोड़ दिया, कहते मैंने पिंजरा भी बनवा लिया, बिल्ली को ले जाने की तैयारी, हुकूमत से भी इजाजत मिल गई, मुकम्मल तैयारियां हो जाती है। कहते कि फिर मैं परेशान हो गया, मैं सोचने लगा बिल्ली अब क्यों नहीं आ रही है। मैंने सोचा कहीं और चली जाती होगी, किसी और के दस्तरखान पे खाती होगी। कब तीन दिन तक बिल्ली नहीं आई। जिस दिन मेरे वापस आने का दिन था, मैं हुजूर के रोजे पे आखिरी सलाम करने के लिए गया, मैंने क्या देखा, वो बिल्ली जो मेरे पास आती थी हुजूर की जालियों से लग के बैठी हुई है, उसकी आंखें आंसुओं से तर है, उसने तीन दिन से कुछ नहीं खाया है, फाके से बैठी हुई है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके दरबार से जा रहा हूं और साथ में एक इजाजत भी चाहता हूं कि ये बिल्ली मुझे ले जाने की इजाजत दे दे। ये कहते आके बिस्तर पे लेटा है, जैसी वो शख्स लेटा, इधर ख्वाब में मदीने वाले तशरीफ ले आते हैं। आका करीम आके कहते हैं, आना तो नहीं था तेरे ख्वाब में और आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में आए हैं। सुन, हमारे शहर की बिल्ली को न लेके जाना, हमारे शहर की बिल्ली को न लेके जाना। आका ये मुझसे मानूस हो चुकी है, मेरे साथ खाना खाती है, हुजूर क्यों ना लेके जाऊं। कहते जब से तूने ले जाने का नाम लिया है, ये तीन दिन से मेरी जालियों से लगी रहती है और रोती रहती है, इसने तीन दिन से कुछ नहीं खाया है। ये कहती या रसूल अल्लाह, फाकर से मरना गवारा है, तेरे दर से दूर होना गवारा नहीं हो सकता।